Hello guys, and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. And guys, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, कुछ अलग, जो कि बहुत आम नहीं मिलती है. और ये चीज़ हमारे आपके और सबके सर्दियों का साथी है. पहचान तो लिया होगा आपने ओल्ड मंक, मगर घबराइए नहीं, मैं रम का रिव्यू नहीं करने वाला इतनी गर्मी में. सरप्राइज्ड, स्टिल वंडरिंग कि अब क्या होने वाला है. चलिए तो लेट द मैजिक बिगिन. तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ ओल्ड मंक बियर का. जैसा कि आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी ओल्ड मंक रम का रिव्यू कर चुका हूँ. आई सेक्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच एंड सी द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड मंक. और आपको पता चलेगा उसमें कि ओल्ड मंक वॉज एक्चुअली अ ब्रूवरी, देन दे कन्वर्टेड इट इनटू अ डिस्टिलरी, अ रम डिस्टिलरी. फिर उन्होंने रम प्रोड्यूस करना शुरू किया एंड सो ऑन. फिर वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट आज की डेट में मैं वापस लेके आया हूँ उनकी बियर ओल्ड मंक. तो ये है प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर. एज द कैन सेज कि इसकी अल्कोहल वॉल्यूम जो है वो 5% से ऊपर है और 8% से नीचे है, बिटवीन दैट लाइन. तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है, बट वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आती है बियर. इसमें राइस एडेड है फॉर ब्रूइंग अलॉन्ग विथ मॉल्टेड बाले एंड ईस्ट एंड हॉप्स. एज पर द कैन सेज इट इज मॉल्टेड विथ जर्मन हॉप्स. तो चलिए फिर भी देखते हैं कि व्हाट डज द बियर हैज टू ऑफर. तो चलिए हम खोलते हैं अपना कैन एंड लेट्स गेट ऑन टू इट. चलिए लेट्स पोर इट. वो हमारा ऑलमोस्ट एक इंच का हेड बन गया है. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रही है पोर करते ही बियर में से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि व्हाट द बियर हैज टू ऑफर. अगर मैं कलर की बात करूं तो बहुत ही पेल काइंड ऑफ गोल्डन कलर है, पेल गोल्डन कलर है इसका. और इसका हेड जो है वो, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें हैनिकेन की, जिसका मैं रिव्यू डालूंगा आई बटन में, तो उसका हेड बहुत जल्दी रिसीड कर जा रहा था. मगर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और भी ज़्यादा जल्दी रिसीड कर जा रहा है. ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग ऑफ द बियर एंड लेट्स सी कि व्हाट इट हैज टू ऑफर. Surprisingly, एक ग्रासी अरोमा है इसमें. एक मेटलिक काइंड ऑफ अरोमा आ रहा है मुझे, मे बी बिकॉज ऑफ द कैन. बॉटल मुझे नहीं अवेलेबल मिली. इनफैक्ट मुझे दिल्ली में तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी ये बियर. मुझे वैशाली से मंगानी पड़ी थी ये बियर किसी से. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिल्ली एट ऑल. बहुत जगहों पर ही अवेलेबल नहीं है, यूपी में हर जगह पर अवेलेबल है ऑफकोर्स. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू इट. एक सीरियल टाइप ऑफ अरोमा, मे बी बिकॉज ऑफ द राइस दैट हैज बीन यूज्ड, एक सीरियल अरोमा आ रहा है. दैट्स प्रीटी मच इट. लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग. और जितनी देर मैंने नोजिंग किया है, मैं देख रहा हूं कि इसका सारा रिसीड कर गया है हेड. लेट्स सी उतनी फ्रेशनेस, उतनी क्रिस्पी है ये बियर या नहीं है. लेट्स सी, लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग. एक सीरियल टाइप ऑफ फ्लेवर, एक ग्रासी
काइंड ऑफ शुगरी कैरमली काइंड ऑफ फ्लेवर आ रहा है, बट एक बहुत अलग सी चीज़ मुझे जो इसमें लगी है वो एक एप्पल साइडर का फ्लेवर आया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो क्यों आया है, बिकॉज ऑफकोर्स राइस एडेड है, मॉल्टेड बार्ले एडेड है, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉप्स दैट हैज़ बीन यूज इन इट, आई डोंट नो, बट एक एप्पल साइडर काइंड ऑफ फ्लेवर आया है। तो लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट, लेट्स सी कि कुछ मिस तो नहीं हुआ मुझसे। लेट्स कम ऑन, लेट्स गो। एक हल्का सा बनाना का नोट है, राइप बनाना का, रेड एप्पल्स का नोट है, एप्पल साइडर का नोट है इसमें। तो इट इज़ अ गुड बियर इफ आई टॉक अबाउट बियर एज इज। हाँ, अगर मैं बात करूँ ओल्ड मंक रम और ओल्ड मंक बियर की, बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी एज वेल एज ओल्ड मंक ने अपना पूरी दुनिया में नाम बना दिया है विथ रम। सो अगर मैं उस लेवल की बात करूँ तो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और अगर मैं एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूँ इस बियर के लिए, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8, बट फ्लेवर प्रोफाइल के आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9। तो इस बियर का एफिशनाडोज नंबर होता है 8.5। यार मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है। येस, देर इज़ अ बिट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट इट इज़ ओवरऑल अ गुड बियर, अ रिफ्रेशिंग बियर। इसमें कोई बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं लगा मुझे, कोई कुछ नहीं लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, स्टिल वो एक फ्लेवर लिंगर कर रहा है मेरे पैलेट पे, विच इज़ गुड। सो अच्छी लॉन्ग फिनिश है इसकी, ओवरऑल इट इज़ अ गुड बियर। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द बियर। सो आई वुड अर्ज यू गाइज टू प्लीज़ 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 ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। And as we always say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.